I'm so sorry. I'm sorry, Ella. तुम क्यों चले गए थे बारे? आ गई तुम्हें बहन की याद? कैसी हैं बड़ी भाभी? ठीक हूँ, और तुम्हारे सामने हूँ। मैंने सुना है कि फारिस भाई ने आपको तलाक दे दी है। गलत सुना है तुमने। क्या ये खबर झूठी है? हाँ, ये खबर झूठी है। फारिस ने मुझे तलाक नहीं दी, मैंने खुद फारिस से तलाक ले ली। खुद तलाक ले ली? लेकिन क्यों? सादिया, जब दो लोग एक साथ खुश ना रह सकें तो उनका अलग हो जाना ही बेहतर है। सो मैं भी हो गई अलग। कैसी बातें कर रही हैं परी भाभी? आप तो फारिस भाई से मोहब्बत करती थी ना, फिर ये क्या है? बस फारिस अब पहले जैसा नहीं रहा। फारिस भाई पहले जैसे नहीं रहे? जी, आपके दिल में उनकी मोहब्बत पहले जैसी नहीं थी। तुम ऐसा ही समझ लो। मैं पता नहीं यहाँ क्यों आ गई। मुझे लगा था कि मेरी बहन को इस कम में मेरी जरूरत होगी, लेकिन मुझे क्या अंदाजा था कि आप इस कदर मुतमईन और पुरसकून होगी। देखो सादिया, फारिस से तलाक का मुतालबा मैंने खुद किया था, तो फिर मैं इस बात का गम क्यों मनाऊं? लेकिन इस मुतालबे के पीछे वजह क्या है? या कोई ऑप्शन है? किसे पसंद करने लगी है यहाँ पर ये भाभी? खुरम को। खुरम? हो तो मैं बिल्कुल ठीक समझी थी, लेकिन आपको खुरम भाई कैसे पसंद आ गए? याद नहीं आपने क्या क्या कहा था? आपने कहा था कि वो गरीब हैं, फटीचर हैं, मैं पंखे से लटक के मर जाऊंगी लेकिन कभी उसे शादी नहीं करूंगी। तो फिर आप कैसे शादी पे आमादा होगी? क्योंकि वो बहुत अमीर हो चुके हैं इसलिए। हाँ, ऐसा ही समझ लो। शर्म आती है मुझे आपको अपनी बहन कहते हुए, और खौफ आता है आपका अंजाम सोचते हुए। मैं जो कर रही हूँ ना, मैं उस पर मुतमईन हूँ, कोई खौफ नहीं है। फिर तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? ठीक कह रही हूँ, आइंदा ना मैं कभी परेशान होंगी और ना आपकी फिक्र करूँगी। खुदा हाफिज़। फारिस, आप आ गए। तुमने बुलाया तो कैसे ना आता? मुझे बहुत दिनों से आपका इंतजार था फारिस। मुझे भी तुमसे मिलने बहुत इंतजार था। मैं भी तुम्हारे बगैर एक लम्हा नहीं रह सकता जमल। फारिस, मैं भी नहीं रह सकती। चलो घर चलते। जमल, क्या हो गया जमल? किस दुनिया में आप? मैं अरीबा नहीं हूँ, जमल हूँ मैं। लेकिन जमल, तुमने मुझे बुलाया था। हाँ, मुझे तलाक चाहिए। तुम क्यों मुझसे तलाक चाहती हो जमल? क्यों ना चाहूं? क्या अब भी ना चाहूं? जमल, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ यार, अपनी हर जुर्म की। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, तुम्हें जो सजा देनी है मुझे मंजूर है। फिर सजा समझ कर ही तलाक दे दो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। रिश्ते को खत्म करते वक्त भी आप मुझे जलील करना चाहते हैं, साथ रखकर तो आप करते ही आए हैं। जमल, मैं इस रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहता। लेकिन मैं इस रिश्ते को खत्म करना चाहती हूँ। जमल प्लीज, ऐसा मत करो। आप मत करें मेरे साथ ऐसा।
जिंदगी में पहली बार मैं आपसे कुछ मांग रही हूँ और आप उस पर भी इनकार कर रहे हैं। क्या सारे मसले का हल यही है? हाँ, यही लास्ट ऑप्शन है और मुझे आपसे तलाक चाहिए। जाए यहाँ से बारिश। काश पलटे सारी शामें जब तेरे पास थे हम। फर्जी लगती थी दुनिया सारी, बहुत खास थे हम तेरी यादों के महवर मखमूर हुए। अकेले आए हो? जी माँ। कमल कहाँ है फारिस? डैड, वो नहीं आई। मगर तुम तो उसे लेने गए थे। हाँ माँ, लेने गया था, मनाने की कोशिश भी करी, माफी भी मांगी उससे, लेकिन वो नहीं मानी माँ। वो इतनी आसानी से नहीं आएगी फारिस। एक लफ्ज़ सॉरी कह देने से तमाम गलतियों का अजाला नहीं होगा। तो फिर मैं क्या करूं डैड? बेटा उसे मनाते रहो, उसके पास बार बार जाते रहो, उसे अपनी शर्मिंदगी अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ। मुझे पूरा यकीन है एक ना एक दिन वो मान जाएगी। अरे यार, तुमने ये बड़ी खुशी की खबर सुनाई है, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। ये खबर तुमने अपने साहबजादे को भी सुनाई है कि नहीं? आपको भी बहुत मुबारक हो। और मैंने उसे कॉल कर दी है, बस आता ही होगा, फिर सरप्राइज दूंगी। पर आपने तब तक कोई बात नहीं करनी उसे? अच्छा, नहीं बताता, आने तो दो जरा उसे। अच्छा ये बताओ कि सादिया बेटी कैसी थी? वो तो बहुत खुश है, वो जहां यकीन जाने हमें बहुत अच्छी बहू मिली है, शुक्र है अल्लाह का। हाँ, तुम्हें तो वैसे भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, याद है तुम कितना खिलाफ थी। चले बस भी करे ना पुरानी बातें याद कराना ऐसे खुशी के मौके पर। जी बेहतर है, जरूर नहीं करता। अच्छा अब जल्दी से मुंह तो मीठा करवा दो यार। हाँ वो तो मैं भूल गई, बस अभी लेकर आ, अभी लेकर आ। फिर क्या सोचा है तुमने? हम शादी कब कर रहे हैं? हम? हाँ हम, तुम और मैं। तुम्हें किसने कहा कि हम शादी कर रहे हैं? तुमने ही तो कहा था कि हम शादी करेंगे, तो मुझे अब भी पसंद करते हो? हाँ पसंद करता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं, अरीबा को। क्या मतलब है अरीबा को? मैं अरीबा ही तो हूँ? नहीं तुम अरीबा नहीं, तुम एक ऐसी अंधी लड़की हो जो ख्वाबों के पीछे भागती है, ख्वाब भी नहीं ख्वाहिशात के पीछे। तुम्हें पता है सबसे ज्यादा जरूरी तुम्हारी जिंदगी में क्या चीज है? आसाइशें और पैसा। खुर्रम तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? जो कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, बल्कि तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम क्या हो। खुर्रम जरा सोच समझ कर बोलो।
सोच लिया मैंने। सॉरी अरिबा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ऐसे कैसे शादी नहीं करोगे? तुम्हारी वजह से ही मैंने फारिस से तलाक ली। हाँ, मैं मानता हूँ कि तुमने फारिस से तलाक ली, पर मेरे लिए नहीं ली, मेरे घर के लिए, मेरी कार के लिए और मेरे बैंक बैलेंस के लिए। हाँ नहीं, मेरा मतलब कि ये सब बातें फिर किसी दिन करेंगे ना। कम ऑन, किसी और दिन अरिबा। मैं तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, और तुम कह रही हो कि बातें हम किसी और दिन कर लेंगे। छोड़ो यार। देखो ऐसी बातें मत करो, मैं तबाह हो जाऊंगी। तुम्हें तबाही से इतना डर क्यों लगता है अरिबा? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने कितनों को बर्बाद किया, फारिस को, रोहान को, उसकी फैमिली को, और सबसे ज्यादा अपनी करीबी दोस्त समल को। अंदाजा है तुम्हें? नहीं है ना? तो फिर तबाही से इतना डर क्यों लग रहा है तुम? देखो देखो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते खुरम। तुम क्या सोच के मुझ पर ढोंस जमा रही? एक गंदी शक्ल, टीचर बाइक वाला लड़का जिसकी शक्ल से तुम्हें नफरत थी, उस पर किस चीज का ढोंस जमा रही? देखो खुरम, ऐसे मत कहो, वो सब तो पुरानी बातें थी ना। पुरानी बातें? क्या कहा था तुमने कि गंदी शक्ल और फटीचर बाइक? तो सुनो, आज गंदी शक्ल और ये फटीचर बाइक वाला तुम्हें अभी इसी वक्त रिजेक्ट करता है। नफरत है मुझे तुम्हारी शक्ल से भी। खुरम, देखो ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझसे किस चीज की माफी मांग रही हो रीवा? मुझसे गुस्सा हो रहा, मैंने तुम्हें नाराज किया, प्लीज माफ कर दो मुझे। तुम क्या थी, तुम क्या बन गई हो रीवा? अपनी हालत देखो तो। प्लीज तुम तो ऐसा मत करो। मैं एक मिनट भी यहाँ नहीं रुक सकता। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी खुरम, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरे रास्ते से हट जाओ रीबा। खुरम प्लीज, मेरी बात। मैं कह रहा हूँ रीबा, हट जाओ मेरे रास्ते से। बीबी जी, बीबी जी, ये लें। ये क्या? ये खुरम साहब ने पैसे दिए हैं और कहा है आप यहाँ से चली जाएं। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? ये तो मैं नहीं जानती, वो खुद भी दुबई चले गए हैं और ये घर बेच दिया है। आप अपना इंतजाम करें, मैंने भी अपना सामान बांधना है। मुझसे शादी की, अब इसको अपने जाल में फंसा रही हो। तुम जरा मुझसे तमीज से बात करो फारिस। मैं बेवकूफ था कि तुमसे मोहब्बत की, जमल को छोड़ के तुमसे प्यार किया। तुम तो जमल की जूते के बराबर भी नहीं हो। अब अगर वो तुम्हें इतनी अच्छी लग रही है ना, तो वापस चले जाओ उसके पास। यहाँ क्या कर रहे हो? जाऊंगा, उसी के पास जाऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले तुम्हारे साथ सारे रिश्ते खत्म करके जाऊंगा। हाँ हाँ, खत्म करो ये रिश्ता। तुम्हें तलाक चाहिए ना इससे शादी करने की? मैं सारी ख्वाहिश पूरी करता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं।
तेरा दर्द है मेरा वैसे एक बात तो बताओ मेरे काबिल है कौन जो तुमसे बहुत मोहब्बत करे तुम्हें शहजादियों की तरह ये क्या है मैं तुम्हारा अकाउंट ओपन करवा दिया फारिस इसकी क्या जरूरत थी अरे कैसे जरूरत नहीं है तुम मेरी बीवी हो मेरी जिम्मेदारी है फारिस आपने साबित कर दिया आपसे शादी करने का फैसला गलत नहीं था मेरे अशकों को पिया दिल ने लब कभी खो जमल बेटा चल के खाना खा लो मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ आप जाएं मॉम क्या हुआ सब ठीक तो है सब ठीक है बेटा बस तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है तुम्हारी शादी करके कितनी हंसने बोलने वाली लड़की थी और अब कैसी खामोश हो गई हो बिल्कुल अकेली जैसे कोई रंग ही नहीं है तुम्हारी जिंदगी में हाँ मैं ऐसे क्यों सोच रही हूँ सब कुछ तो है मेरे पास आप हैं डैड है रूहान है कुछ और क्या चाहिए फिर भी बेटा माँ बाप के लिए असल खुशी ये होती है कि उनकी बेटी अपने घर में खुश रहे मगर तुम्हारे साथ तो जिंदगी ने अजब ही खेल खेला आप फिर से पुरानी बातें ला रही हैं। अब मेरी लाइफ में मेरा बेटा दानियाल आ गया है मुझे और कुछ नहीं चाहिए मुझे लाइफ से कोई शिकवा नहीं है मॉम मेरे बेटे ने मेरी लाइफ में सारे रंग भर दिए हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो दानियाल से हमारे घर की रौनक बढ़ गई है आपको पता है दानियाल चलने लगा है। अच्छा माशाल्लाह मैं आपको भी दिखाती हूँ दानियाल आजा दानी बच्चा पाला पाला एक तेरा दर्द मेरा एक तेरा दर्द है मेरा एक तेरा दर्द एक तेरा दर्द मेरा नींद नहीं आ रही क्या नहीं ऐसी कोई बात नहीं लगता है कि मिनाहिल को याद किया जा रहा है नहीं अब ऐसी भी कोई बात नहीं है
मेरी बात हुई थी उससे सुबह, तुम्हें तो पता है पाकिस्तान और कनाडा का टाइम डिफरेंस, सुबह ही बात होती है। और म्यूजिक कैसे जा रहा है तुम्हारा? बस यार आजकल ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा उसे, तुम तो जानती हो डैड ने सारा बिजनेस का लोड मेरे शोल्डर्स पे रख दिया है, बस ज्यादा टाइम नहीं मिलता, और अगर सच बोलूं तो दिल भी नहीं करता। लेकिन अच्छा ही है ना, डैड ने भी कितना काम किया, अब उन्हें भी आराम करना चाहिए, और वैसे भी उनका तुम्हारे जैसा जीनियस बेटा है तो उन्हें और क्या चाहिए। थैंक यू सो मच। और वैसे भी उनका जीनियस बेटा तो है, मगर उनको तुम्हारे जैसी अच्छी बेटी और कहाँ मिलेगी। अच्छा जमल, एक बात पूछूं? पूछो। तुमने फारिस से डाइवोर्स क्यों नहीं ली? अभी तो तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी बाकी है, तुमने उस शख्स को छोड़ा क्यों नहीं? शायद तुम ठीक कह रहे हो रोहान, जो फारिस को छोड़ देना चाहिए था, लेकिन फिर जब मैं दानियाल के बारे में सोचती थी कि जब वो इस दुनिया में आएगा तो उसे अपने माँ बाप के टूटे हुए रिश्ते मिलेंगे, उसे कैसा लगेगा, और फिर जब वो बड़ा होगा सवाल करेगा मैं क्या जवाब दूंगी उसे। बस इसीलिए मैंने फारिस से तलाक नहीं ली। जमल, तुम्हें उसके पास वापस जाना चाहिए था, उसने जब रीबा को तलाक दी तुम उसके पास वापस क्यों नहीं गई? फारिस से तलाक मैंने दानियाल के लिए नहीं ली, ये फैसला मैंने उसके लिए किया था कि मेरी जात को काबिले कबूल नहीं था कि मैं फारिस के पास दोबारा वापस जाऊं, और बस तलाक लेने के बाद वो कभी मेरे पास वापस आए और जब दिल चाहे वापस चला जाए, मुझे ये मंजूर नहीं था। और वैसे भी जब मोहब्बत थी ही नहीं तो फिर साथ रहने का क्या फायदा। तुम्हें पता है वो किस हालत में कहाँ है? ना तो मुझे पता है और ना ही मुझे मालूम करना है। फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, उसने तो अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, ना कहीं पे जाता है ना किसी से मिलता है, उसे लगता है वो ऐसा करके अपने गुनाहों का कफारा अदा कर रहा है। किसी का दिल तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है रोहान, और इस गुनाह की सजा उसे जरूर मिलेगी। समल, अल्लाह ताला भी अपने इंसानों के तमाम गुनाह माफ कर देते हैं, और स्पेशली उन लोगों के जो सच्चे दिल से तौबा करें, और अगर उसने तौबा कर ली फिर भी उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। तुम्हें पता है किसी को माफ कर देना कितनी बड़ी बहादुरी है, और मैं जानता हूं कि मेरी बहन कितनी ज्यादा बहादुर है, मैं जानता हूं कि उसका दिल कितना बड़ा है, और तुम्हें क्या पता कि तुम्हारी इस हरकत से अल्लाह ताला कितना खुश होंगे, उसको कितना पसंद है कि जब उसके अपने बंदे दूसरों को माफ करें, उनकी कोताहियों पर पर्दा डालें, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी हुई है समझ, अगर अपना ही नहीं तो दानियाल के बारे में सोचो। आई वॉन्ट हिम टू हैव अ हैप्पी होम, क्या वो एक अच्छी जिंदगी गुजार सकेगा अपने माँ बाप को इस तरह अलहदा देखकर? अगर ये सब कुछ भी नहीं समझ में आता तो सिर्फ एक बार ये जरूर सोचो कि तुम्हारी ये अदा अल्लाह को कितनी पसंद आए।
ठंडे दिमाग से आराम से बैठकर सोचो। पलटे वो सारी शामें जब तेरे पास थे हम, फर्जी लगती थी दुनिया सारी, बहुत खास थे हम तेरी यादों के महवर में मखमूर हुए। जमल जी, वो फारिस आया है। वो क्यों आया? इतना अरसा हो गया है, उन्हें अभी तक समझ नहीं कि मैं उनसे नहीं मिलना चाहती। बेटा आराम से बात करो, वो बच्चे से मिलने आया होगा। ये सिर्फ मेरा बच्चा है मॉम, उनका नहीं। हाँ वो तुम्हारा ही बेटा है, लेकिन एक बार उसे देख तो लेने दो। जब सिर्फ थोड़ी देर के लिए ले जाने दें, लेकिन फिर वो उनको वापस लेकर आएंगे। मैं अपने बच्चे से नहीं, तुमसे मिलने आया हूं समर। फारिस मुझे आपसे नहीं मिलना, मैं कितनी बार समझाऊं आपको। लेकिन मुझे तो तुमसे मिलना है ना जमन। चले जाए यहां से, यहां बार बार आने का आपको कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन मैं अपनी कोशिश तो करता रहूंगा ना जमन, कितना अरसा हो गया तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। माफ? किस चीज की माफी फारिस, किस किस चीज की माफी मांगेंगे आप मुझसे? हर बात की, हर ज्यादती जो मैंने तुम्हारे साथ की है, हर गलती, हर जुर्म की माफी दे दो मुझे जमर। नहीं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। मुझे पता है तुम मुझ पे बहुत गुस्से पे हो जमर। गुस्सा? गुस्सा नहीं, मैं आपसे नफरत करने लगी हूँ। यही बात मेरी आंखों में देखकर कहा। कहो ना जमर कि तुम मुझसे नफरत करती हो। छोड़े मुझे, चले जाए यहां से, मैं कह रही हूं चले जाए यहां से। नहीं, तुम्हारे बगैर मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। आपके साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। जमल तुम नाराज हो तो लड़ो मुझसे, मुझ पर गुस्सा निकालना चाहती तो मारो मुझे, लेकिन ऐसे ला तालुक ना हो। क्यों? ये काम सिर्फ आप कर सकते हैं क्या? मैंने किया है, इसलिए तुम्हें ना करने को कह रहा हूं, ताकि तुम्हें बाद में मेरी तरह पछताना ना पड़े। आपने मेरी मोहब्बत का मान तोड़ दिया फारिस। मैं उसे फिर से कायम कर लूंगा समर। अब वो नहीं हो सकता, टूट चुका है। समर मैं सब कुछ पहले जैसे कर लूंगा। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता फारिस। उस पर यकीन करके देखो,
एक आखिरी बार जमल, just give me one chance, please. जमल मुझे माफ कर दो. I'm sorry. जमल मुझे माफ कर दो, please. जमल मुझे माफ कर दो, please. हमसे क्या भूल हुई, तुम ही हमें भूल गए. शुमाइला, आज तो तुमने बहुत एहतमाम किया था. भाई क्यों ना करती, खुदा ने इस घर की सारी मुश्किलात जो दूर कर दी. खैर से हम फिर से इकट्ठे बैठे हुए हैं. बस अल्लाह हर बुरी नजर से बचाए. आमीन, आमीन. नजर तो पहले भी नहीं लगी थी, बस हमने किसी को समझने में गलती कर दी थी. देखो जो होना था सो हो गया. मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आज के बाद उस लड़की का हमारे दरमियान कोई जिक्र नहीं होना चाहिए. बस ये दुआ करनी चाहिए कि हमारी खुशियां इस तरह कायम बताएं. आमीन, आमीन, आमीन. भाई अब ये घराने दो नहीं तीन होने वाले हैं. क्या मतलब? मिनाहिल के वालिद और वालदा आ रहे हैं भाई, खैर से रूहान के रिश्ते के लिए. अच्छा. भाई तुम्हारी तैयारी में कोई देर तो नहीं है? अरे नहीं, सब चीज मुकम्मल है भाई. भाई मुझे तो बेचैनी से इंतजार है कि जल्दी से वो दिन आए जब मेरी बहू मेरे घर आ जाए. इंशाल्लाह. बस तो फिर हो गई तुम्हारी दुआ कबूल. तैयारी करो. मुझे लगता है कि बहुत जल्द मैं इस शख्स की सारी गलतियां भूल जाऊंगी. मुझे याद भी नहीं रहेगा कि मैंने कभी इस शख्स के हाथों बहुत से दुख उठाए हैं. सब एक ख्वाब लगने लगेगा, एक भयानक ख्वाब जो बिलाखिर ख़त्म हो चुका है. मुझे दूसरी बार मोहब्बत हो रही है और दूसरी बार भी फिर इसी शख्स से हो रही है. हरीबा, ये तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती है. खुदा के लिए इस घर से चली जाओ, बल्कि इस घर से नहीं हमारी जिंदगियों से भी चली जाओ. खुदा के लिए हमें बख्श दो, भूल जाओ हमें, चली जाओ यहाँ से. इसने अपनी जिंदगी को जानू बनाई, जन्नत को छोड़, इसीलिए उसने जमन से कोई रिश्ता नहीं बनाया. बस इसीलिए एक लफ्ज़ और नहीं. मैं तो ये सब सुन भी नहीं सकती. मेरी बेटी भी ये सब कुछ कर दी है. क्या गलतियां करोगी, कितनी और गलतियां करोगी अरीबा. अभी शुरू हो जाए. तुमने ये किया, इससे बेहतर था कि मैं मर ही जाती. मेरी तरबियत का तुमने जनाजा निकाली. तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या किया? आपकी वजह से कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूं. अगर मेरी वजह से कोई मुसीबत में है तो वो सिर्फ मैं. मगर एहसास नहीं है, तुम्हें अपना नहीं सोचो. हाँ तो मत सोचो, जो गलती मैंने की है उसकी सजा भी मैं ही भुगतूंगी. तुम लोगों को हमदर्दी समेटने की कोई जरूरत नहीं है.
जाए मुझे, दूर हो जाए मुझसे, चली जाए यहाँ से। ये तुम क्या कह रही हो? आपने मेरी अम्मी का कत्ल किया, मारा है मेरी अम्मी को, आपकी वजह से मेरी अम्मी की मौत हुई है। आप सब लोग सुन रहे हैं ना, मेरी अम्मी की मौत इनकी वजह से हुई है, उनके सगी बेटे की वजह से। सादिया जी क्या कह रही हो, सब सुन रहे हैं। मैं सबको बताऊंगी कि आपकी वजह से मेरी अम्मी की मौत हुई है। आपने मारा है उन्हें, अपनी नाफरमानियों की वजह से, अपनी हरकतों की वजह से आपने कत्ल किया मेरी माँ का। सादिया मैं तुम्हें कह रही हूँ चुप कर जाओ, चले जाओ यहाँ से, मैं किधर चले जाओ यहाँ से, जाए जाए पागल हो गई, जाए जाए यहाँ से। कि तुमसे मोहब्बत की, जमल को छोड़ के तुमसे प्यार किया, तो जमल की जूते के बराबर भी नहीं हो। अब अगर वो तुम्हें इतनी अच्छी लग रही है ना, तो वापस चले जाओ उसके पास, यहाँ क्या कर रहे हो? जाऊंगा, उसी के पास जाऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले तुम्हारे साथ सारे रिश्ते खत्म करके जाऊंगा। हाँ हाँ खत्म करो ये रिश्ता। तुम्हें तलाक चाहिए ना, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। काश पलटे वो सारी शामें जब तेरे पास थे हम, फर्जी लगती थी दुनिया सारी, बहुत खास थे हम तेरी यादों के महवर में मखमूर हुए, मखमूर।